परागत फेटा, मान वस्त्र, मान चिन्ह तथा फूलों का हार देकर भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी तथा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी। मान वस्त्र, परंपरागत मराठी फेटा, मानवस्त्र, छत्रपति शिवाजी महाराजांचा हा पुतळा, MMRDA तर्फे हे सन्मान चिन्ह बृहन्मुंबई नगर निगम की ओर से और एक मान चिन्ह आणि हा विशेष चाफ्याचा हार ये पुष्प का हार स्वीकार करे ये विनती है। धन्यवाद। और अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी से मैं स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध करती हूं। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। जे लोक खुर्चीवर उभे आहेत त्यांनी खुर्चीवर बसावं अशी त्यांना विनंती करतो। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित अखिल विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सबके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री जो अभी अभी डावोस से 1,55,000 करोड़ के MOU करके आए हैं, ऐसे हमारे एकनाथ शिंदे जी मंच पर उपस्थित, हमारे सभी केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के मंत्रीगण, सभी सांसद, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जी, मुंबई के अध्यक्ष जी, मंचासीन सभी महानुभाव और यहां विराट संख्या में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों की ओर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र आणि मुंबईच्या वतीने आदरणीय मोदी जींचं या ठिकाणी मी स्वागत करतो। प्रधानमंत्री जी, आप तो हर जगह लोकप्रिय है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि लोकप्रियता की कोई कंपटीशन होगी
तो आपकी लोकप्रियता में नंबर वन पर मुंबई होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। इतना प्रेम मुंबई करो का आपके ऊपर है। और मुझे याद है 2019 में आपने यहां से ही कहा था कि 5 साल की डबल इंजन सरकार ने महाराष्ट्र को बदला है और फिर एक बार डबल इंजन की सरकार लाई है। आपके शब्द पर विश्वास रख के महाराष्ट्र की जनता ने डबल इंजन की सरकार लाई, लेकिन कुछ लोगों ने बेईमानी की, इसलिए 2.5 साल जनता के मन की सरकार नहीं बन पाई। लेकिन बाला साहब ठाकरे जी के सच्चे अनुयायी एकनाथ शिंदे जी ने हिम्मत की और आपके आशीर्वाद से फिर एक बार महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के जन 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 के मन मन की सरकार यहां पर तैयार हुई और फिर एक बार महाराष्ट्र विकास की दृष्टि से जोरों से भागने लगा। आज कई कार्यक्रमों का उद्घाटन भूमि पूजन हम करने वाले हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज होगी तो प्रधानमंत्री स्वनिधि का कार्यक्रम। राजनीति कैसी होती है, कोविड के समय प्रधानमंत्री जी ने रेहड़ी पटरी वाले, फुटपाथ दुकानदार, हाथ ठेले वाले, पान ठेले वाले सभी का विचार करके उनके लिए स्वनिधि की रचना की, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उस बैठक में निर्णय हुआ कि ये जो गरीबों को पैसे मिलने वाले हैं इस योजना को स्थगित किया जाता है, इसको लागू नहीं किया जाएगा। और महाराष्ट्र के जो गरीब लोग थे, फुटपाथ दुकानदार थे, फेरी वाले थे, उनको रोक दिया गया। लेकिन वापस सरकार आने के बाद यहां पर हमने हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री जी के नेतृत्व में एक बैठक की और उस बैठक में हमने यह तय किया कि मुंबई में 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों को, फुटपाथ दुकानदारों को, फेरी वालों को हम लोग स्वनिधि का फायदा देंगे। और आज मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि 1 लाख का आंकड़ा पार करके 1,15,000 तक हम लोग पहुंचे हैं। ये जो छोटे छोटे फेरी वाले आए, फुटपाथ दुकानदार आए, या सगळ्यांना आज या ठिकाणी स्वनिधीचा पैसा मिळतोय आणि जसा मुंबईत मिळतोय तसा आता इतर ठिकाणी देखील हा या ठिकाणी मिळणार आहे। आज माननीय पंतप्रधानांच्या हस्ते हे काम आपण करतोय। मुझे इस बात की बहुत खुशी है प्रधानमंत्री जी, शायद आप अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हो गए कि जिन्होंने जिन जिन योजनाओं का भूमि पूजन किया उन उन योजनाओं के उद्घाटन को भी आप ही उपस्थित है। आज ये जो मेट्रो का उद्घाटन हो रहा है 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर मेट्रो 7 मेट्रो 2 है, इसका भूमि पूजन भी आपने किया था और उद्घाटन भी आप कर रहे हैं। ये नया कल्चर इस भारत में और महाराष्ट्र में आपके कारण आया है, मैं इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। सबसे महत्व की बात, आज मुंबई करता एसटीपी, मुंबई सारखं इतकं महत्वाचं शहर, या शहरामध्ये रोज हजारो हजारो नाही करोडो करोडो लिटर पाणी ट्रीट न करता, कुठली प्रक्रिया न करता आम्ही समुद्रात सोडत होतो। हा समुद्राचा वास, समुद्राची घाण ही त्याच्यामुळे होती। 20-25 वर्ष मुंबई महानगरपालिकेवर ज्यांनी राज्य केलं त्यांनी केवळ डिपॉझिट, फिक्स डिपॉझिट केले, स्वतःची घरं भरली, पण मुंबईकरांना त्या ठिकाणी शुद्ध पाणी देण्याचा कधी प्रयत्न केला नाही। पण या ठिकाणी मी ज्यावेळेस मुख्यमंत्री होतो त्यावेळेस महानगरपालिकेला सांगितलं हे पाणी असं सोडता येणार नाही, तुम्हाला एसटीपी तयार करावे लागतील। महानगरपालिकेने सांगितलं एसटीपी तर आम्ही तयार करू, पण एसटीपी कुठल्या नावाने तयार करायचे हेच आम्हाला माहिती नाही। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के पास गया और मैंने निवेदन किया कि समुन्द्र में अगर डिस्चार्ज करना है तो कौन से लेवल का पानी चाहिए, इसके डिस्चार्ज नाम तैयार करने पड़ेंगे।
और एक साल के भीतर भीतर मोदी जी की सरकार ने डिस्चार्ज नॉर्म तैयार करके मुंबई महानगर पालिका को दिए कि अब देखिए ये सारे नॉर्म्स तैयार है, अब गंदा पानी मत छोड़िए। लेकिन साहब उसके बाद भी 3 साल तक मुंबई महानगर पालिका ये काम इसलिए नहीं कर पाई, करने वाले नहीं थे, ऐसा नहीं था, करने वाले थे लेकिन इनका उनसे जम नहीं रहा था। काय जमत नो तो माहिती है ना, हाँ वो जम नहीं रहा था और इसलिए हिस्सेदारी नहीं मिली, इसलिए उसको नहीं किया गया। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमारे शिंदे जी के नेतृत्व में हमने उसको गति दी और गति के साथ उसको पूरा करने का काम अभी हो रहा है। आज उसका शिलान्यास माननीय मोदी जी के हाथों से हो रहा है और ये केवल और केवल मोदी जी आपकी सरकार के कारण संभव हुआ है, इसलिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ साथ 6,000 करोड़ के रास्ते, किसी ने प्रश्न पूछा कंक्रीट के रोड क्यों बनाते हो, वो इसलिए बना रहे कि 4 साल पहले जब हमने मुंबई के रास्तों का परीक्षण किया था तो ध्यान में आया कि इन रास्तों में नीचे की लेयर ही गायब है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार, हर साल वही रास्ते अब हमने तय किया नहीं, ऐसे रास्ते बनाएंगे 40 साल एक गड्ढा भी उस रास्ते पर नहीं पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, उसका भी शिलान्यास आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, 3 हॉस्पिटल का शिलान्यास कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, मुंबई की पहचान क्या है, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज हमारा जो स्टेशन है, मध्य रेलवे का जो स्टेशन है वो मुंबई की पहचान है। और मुंबई की इस पहचान को पुनर्परिभाषित करने के लिए उसके विकास का आपने कार्यक्रम हाथ में लिया और एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही आइकॉनिक इस प्रकार का CST रेलवे स्टेशन फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में हमको मिल रहा है और उसका भी भूमि पूजन आज हो रहा है, मैं उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपको इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूँ, मुंबई की जनता आपको सुनना चाहती है, आपका आशीर्वाद चाहती है, आपके आशीर्वाद से हमने धारावी का भी टेंडर मंजूर कर लिया है, 1 लाख लोगों को, घरों को पुनर्वसित करने का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और केवल आपने रेलवे की लैंड दी इसलिए ये कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं। जल्दी ही उसके भी भूमि पूजन के लिए आपको हम बुलाएंगे और प्रधानमंत्री जी उसमें आपका बहुत आशीर्वाद हमको लगेगा, उसके लिए भी आपको हम निमंत्रित करेंगे। मैं इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मुंबई की जनता की ओर से, महाराष्ट्र की सरकार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद DCM सर। और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी से मैं प्रार्थना करती हूं कि आज के इस बेहद खुशी तथा अहम अवसर पर वे उपस्थित सभी को संबोधित करें। मुंबई मध्ये विविध उपक्रमांचं भूमिपूजन आणि लोकार्पण करण्यासाठी आज व्यासपीठावर उपस्थित आपल्या भारत देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब यांचं मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने, मुंबई नगरीच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो आणि त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। व्यासपीठावर उपस्थित महामहिम राज्यपाल जी, राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर मंत्रीगण, उपस्थित सर्व खासदार आमदार आणि
नजर पोचत नाही इतपर्यंत मोदी साहेबांना बघायला आणि ऐकायला आलेले सर्व मुंबईकर बांधव भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्राचा विकास किती झाला ते आपल्याला माहित आहे आणि अगदी ठप्प झालेल्या कामांना खऱ्या अर्थाने चालना देण्यासाठी आणि जो काही लोकोपयोगी योजनांचा खऱ्या अर्थाने श्वास गुदमरला होता त्यातून या राज्याची आणि जनतेची मुंबईकरांची सुटका करण्याची संधी आम्हाला मिळाली ते केवळ आदरणीय मोदी साहेबांसारख्या धाडसी नेत्यामुळे आणि नेतृत्वामुळे। मैं जब भी मोदी जी को देखता हूं, जब भी उनसे मिलता हूं, मेरे मन में एक पवित्र भाव पैदा होता है। उनके व्यक्तित्व में कुछ खास है जो हमें विश्वास और ऊर्जा देता है। मुंबईकरांचं जगणं सुसह्य करण्याची सुरुवात खऱ्या अर्थाने आज झालेली आहे आणि येत्या 2-2.5 वर्षांमध्ये या मुंबईचा कायापालट आपल्याला पाहायला मिळेल। खऱ्या अर्थाने आजच्या दिवसाची सुरुवात ही सुवर्ण अक्षरात नोंद करावी अशीच ठरेल असं मला खात्री आहे। अक्टूबर 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी मेट्रो का भूमि पूजन किया था जब मुख्यमंत्री देवेंद्र जी थे और आज उन्हीं के हाथों से इस सेवा का लोकार्पण हो रहा है। यह बहुत ही बड़ा दैवी योग है और इसीलिए मैं मोदी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ, क्योंकि हमारी विनती को उन्हें मंजूर किया उन्होंने और यहाँ पधारे हैं। इसलिए मैं, हम सब लोग उनके आभारी हैं। महाराष्ट्र के लोग खुश नसीब है कि जिन हाथों से आगाज हुआ था आज उन्हीं हाथों से अंजाम दिया जा रहा है। ये बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि कई लोगों की मंशा, इच्छा, अपेक्षा थी कि यह कार्यक्रम मोदी जी के हाथों से ना हो, लेकिन नियति के सामने किसी का नहीं चलता है। और ये आज जो आप लोग देख रहे हो, हमारी मंशा थी, हमारी इच्छा थी, हमारी अपेक्षा थी, इस महाराष्ट्र की जनता की अपेक्षा थी, मुंबई वासियों की अपेक्षा थी, जो ये मुंबई के लिए जो हम लोग यहाँ पर जो विकास के प्रकल्प ला रहे हैं उसका भूमि पूजन और लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो। और आज यही गेल्या वर्षीच्या डिसेंबरमध्ये म्हणजे वर्षाच्या समारोपामध्ये देशातल्या गेम चेंजर हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग नागपूर मुंबईचा शुभारंभ मोदी साहेबांच्या शुभ हस्ते झाला आणि आता नव्या वर्षाची सुरुवात जी आहे आपण मुंबईकरांसाठी मोठे प्रकल्प आणि मेट्रो आपण सुरू करतो आहोत। खऱ्या अर्थाने एक कार्यक्रम राज्याच्या उपराजधानी झाला आणि आजचा हा कार्यक्रम आपल्या राज्याच्या राजधानीमध्ये एक अभूतपूर्व सोहळा आपण या ठिकाणी करतो आहे आणि म्हणून समृद्धी महामार्ग हा नागपूर आणि मुंबईला जोडणारा महामार्ग झाला। महाराष्ट्राची भाग्यरेषा असलेल्या या मार्गामुळे समृद्धी या मुंबईमध्ये दाखल होती आहे आणि खऱ्या अर्थाने आमचं दोघांचंही स्वप्न होतं की
मेट्रोच्या रूपाने देखील हे दुसरे स्वप्न आपल्या मुंबईकरांचं साकार होताना आपण पाहतोय। वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आणि पंतप्रधान आदरणीय मोदी जी यांचं जिवाळ्याचं नातं होतं आपल्याला मला सांगण्याची आवश्यकता नाही। हिंदुत्व आणि हिंदुत्वाचा अभिमान हा या दोघांच्याही विचारांचा समान धागा होता आणि विकासाचं राजकारण हा पाया होता। तेच सूत्र धरून अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा प्रकल्पांचं भूमिपूजन करण्यासाठी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय मुंबईत त्यांना आम्ही आमंत्रित केलं आणि या कार्यक्रमाला ते उपस्थित राहिले त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा त्यांना मनापासून खूप खूप धन्यवाद देतो। खरं म्हणजे यापुढे देखील आपण मेट्रो आहे त्याचबरोबर आपल्या शिवडी नावाशेवा जो ट्रान्स हार्बर लिंक आहे या देशातला सगळ्यात लांबीचा सिंगल लॉन्गेस्ट सी ब्रिज आपण करतोय त्याचं देखील लोकार्पण येत्या पुढच्या काही महिन्यामध्ये होईल। यामध्ये रस्ते आहेत, रेल्वे आहे, सागरी महामार्ग आहे आणि खऱ्या अर्थाने देशातला एक आदर्श असा वाहतूक आणि दळणवळण आराखडा आपण या महाराष्ट्राच्या माध्यमातून आपल्याला जगासमोर ठेवता येईल त्याचाही मला सार्थ अभिमान आहे। आणि म्हणून मेट्रो आपण सुरू करतोय, लाखो मुंबईकरांना त्याचा फायदा होईल। जवळपास 350 किलोमीटरचं मेट्रोचं जाळं जे देवेंद्रजींच्या काळामध्ये त्याला चालना मिळाली परंतु मगे मधले जे काही 2.5 वर्ष गेले ते आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे, त्याच्यामध्ये मी जात नाही। परंतु जसं सरकार आपलं आलं, सर्वसामान्य लोकांच्या मनातलं सरकार आल्यानंतर आपण त्या सर्व प्रकल्पांना चालना दिली आणि त्याला देखील युद्ध पातळीवर आपण सुरू केलं। आणि म्हणून जेव्हा हे 337-350 किलोमीटरचं नेटवर्कचं जाळं कंप्लीट होईल या रस्त्यावरचे 30-40 लाख वाहनं ही रस्त्यावरून निघतील, या लोकांचा वेळ वाचेल, प्रदूषण कमी होईल, लोकांच्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल होईल, हे काम आपलं सरकार करतं आहे। आणि म्हणून या ठिकाणी केवळ रस्ते पूल आणि ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे विकास नाही असं आपण म्हणतो आणि म्हणून विकासाला मानवी चेहरा पाहिजे। आज आणखी या मुंबईकरांच्या आरोग्यामध्ये चांगल्या सुविधा मिळाल्या पाहिजे यासाठी बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना देखील आपण आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या शुभ हस्ते सुरू करतोय। 20 दवाखाने आज होत आहेत, 123 दवाखाने या ठिकाणी मार्च पर्यंत होतील, एक चांगली आरोग्य सुविधा त्या ठिकाणी सगळ्यांना मिळेल। मगाशी देवेंद्रजींनी सांगितलं हे STPचं जे काय त्यांनी सांगितलंय की किती वर्षापासून हे प्रलंबित होते, परंतु इच्छाशक्ती पाहिजे आणि इच्छाशक्ती दाखवल्यामुळे आज जे केले अनेक वर्ष प्रलंबित प्रश्न आपण सोडवतोय। काँक्रीटचे रस्ते देखील या ठिकाणी आपण पाहतोय की काँक्रीटचे रस्ते आता टीका करतायत, या आज 400 किलोमीटर काँक्रीटच्या रस्त्यांचं भूमिपूजन आदरणीय प्रधानमंत्री करतात, पुढच्या महिन्यामध्ये आणखी 500 किलोमीटरचे रस्ते आपण या ठिकाणी काँक्रीटचे करतोय। म्हणजे पुढच्या 2-2.5 वर्षामध्ये संपूर्ण मुंबई खड्डेमुक्त होईल आणि लोकांचं जीवन सुसह्य होईल। परंतु आपण पाहिलं की याला देखील खोडा घालण्याचं काम काही लोक करतायत, त्यांना त्यांचं काम करू द्या, आपण आपलं काम करू, एवढंच मी या प्रसंगी सांगतो। आणि दरवर्षी जे खड्ड्याचा प्रवास, लोकांचे अनेक खड्ड्यांमुळे गेलेले बळी आणि दरवर्षी जे खड्ड्यामध्ये जाणारा मुंबईकरांचा पैसा वाचवण्याचं काम आम्ही या काँक्रीटच्या माध्यमातून करतोय। कारण खऱ्या अर्थाने आता डांबराच्या रस्त्यामध्ये दुरुस्तीचे पैसे वाचतील 20-25 वर्ष, परंतु हे कुणाला सगळ्यांना नको आहे, लोकांना हवं आहे परंतु काही लोकांना नको आहे। कारण 25-30-40 वर्ष या रस्त्याला खड्डा पडणार नाही, निष्पाप लोकांचे बळी जाणार नाहीत, लोकांचा खड्ड्यातला प्रवास मुक्त होईल आणि म्हणून डांबरीकरणाच्या नावाखाली काळं पांढरं करणाऱ्या लोकांची दुकानं यामुळे बंद होतील। हे दुःख आहे, बरोबर आहे ना? आणि म्हणून मी एवढंच सांगेन की आम सरकार आदरणीय मोदी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही काम करतोय।
फक्त 6 महिन्यामध्ये या सरकारने घेतलेले निर्णय जर आपण पाहिले तर पेट्रोल डिझेलचे दर कमी करणे असेल, स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय असेल, ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी मध्ये मोफत प्रवास असेल, दिवाळीमध्ये 100 रुपयात फक्त दिवाळीचा उत्सव साजरा करायला ते पदार्थ शिदा असेल, त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी सुविधा असतील, संपन्न कुटुंब मिशन असेल, 4 कोटी महिलांच्या आरोग्याची तपासणी असेल, त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना 50,000 रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम असेल, त्याचबरोबर ज्या शेतकऱ्यांचं नुकसान अतिवृष्टीत झालं त्यांना एनडीआरएफचे नॉर्म्सपेक्षा दुप्पट मदत मोबदला नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय असेल, असे कितीतरी निर्णय आपल्या सरकारने घेतले। आणि म्हणून मी या ठिकाणी आपल्याला सगळ्यांना आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांना ऐकायचं आहे, आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो की हे सर्व जे आपण करतोय त्यामुळे सगळ्यांच्या पोटदुखी उठली आहे, मळमळ सुरू झाली आहे, पायाखालची वाळू सरकली आहे, छातीत धडकी भरली आहे। जर 6 महिन्यात हे सरकार एवढं काम करू शकतं तर पुढच्या 2 वर्षात काय होईल, आणि म्हणून याचा सगळ्यांना त्रास होतो आहे। आणि म्हणून आपण आपलं काम करत राहूया, त्यांना टीका करू द्या, टीकेला उत्तर आम्ही कामाने देऊ, जेवढी टीका कराल त्याच्या 10 पट आम्ही काम करू। मी एवढंच सांगतो की मी परवा दावोसला गेलो होतो, आणि दावोसमध्ये गेल्यानंतर पाहिलं आपल्या देशाच्या बद्दल, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या बद्दल, दावोसमध्ये विविध देशातले लोक आले होते, विविध राज्यातून आले होते, देशभरातून जगभरातून लोक आले होते, मला अनेक लोक भेटले, अनेक प्रधानमंत्री होते, अध्यक्ष होते, काही मंत्री होते, ते फक्त आणि फक्त मोदी साहेबांच्या बद्दल विचारायचे, मोदी साहेबांच्या बद्दल विचारायचे। मोदी साहेब एक तर प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक लक्झमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर मिले, मुझे कहा मैं मोदी जी का भक्त हूं, मेरे साथ उन्होंने फोटो खिंचवाया, बोले मोदी जी को ये फोटो दिखाई। जर्मन के कुछ लोग मिले, सऊदी के कुछ प्रमुख लोग मिले, बोले आप मोदी जी के साथ हो ना, मैंने कहा हम उनके लोग हैं। और मुझे कहने को बहुत आनंद हो रहा है कि मोदी जी का करिश्मा उनके लोकप्रियता की डंका तो अपने देश में तो बजा रहे हम सब, लेकिन दुनिया में दावोस में भी उनके नाम की डंका सुनाई पड़ रही है। यह हमारा गौरव है। वहां ये सुनने के बाद 1,55,000 करोड़ के तो एमओयू हो गए, लेकिन इसके पीछे आशीर्वाद मोदी साहब का था, क्योंकि वहां पर जो माहौल था, वहां पर माहौल देखने के बाद इतनी खुशी हुई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम पूरे दुनिया के प्रमुख लोगों के जबान पे है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए गौरव है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंटशिप भी हमारे भारत देश को मिली, ये भी हमारे लिए गौरव है, गौरव की बात है। और ये क्यों मौका मिला? क्योंकि पिछले 7-8 सालों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी ऊंचाई पर आपने ले रखी, इसीलिए तो ये G20 का अध्यक्ष पद हमें मिला। और इसलिए मैं आपका आभारी हूं
कि महाराष्ट्र को भी आपने मौका दिया, चार शहरों में ये G20 के समिट हो रहा है, मुंबई में हो गया, पुणे में होगा, नागपुर में होगा और संभाजीनगर औरंगाबाद में होगा। और इसलिए आप दुनिया भर के लोग मुंबई में आए थे, इतने खुश हो गए। अभी मैं यहाँ पर हमारे कमिश्नर चहल जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, यह मुंबई को चमका दिया। तो लोगों के पेट में दर्द होने लग गया, ये क्यों हुआ? अरे भाई 15-20 साल आपको मौका था, आपने नहीं किया, हम 6 महीने में कर दिया, तो अच्छा तो बोलो अच्छे के अच्छे चीज को। तो ये मौका हमें मिला कि हमारे राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर, राज्य का ब्रांडिंग, शोकेसिंग करने का अवसर आपने हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। इतना ही मैं कहूँगा, एवढंच मी सांगतो कि मुंबईचा विकास करायचा आहे, मुंबईचा चेहरा मोहरा बदलायचा आहे। गेले 20-25 वर्ष जे झालं नाही, हे सरकार 3-4-5 महिन्यामध्ये कामाला सुरुवात झाली आहे, लोकांना कळतंय, बदल जाणवतोय। किती कोणी टीका केली तरी सुद्धा या मुंबईतला मुंबईकर सुज्ञाय, आम्ही विकासाबरोबर पुनर्विकासाचे प्रकल्प पण पुढे नेतोय। त्यामध्ये जे थांबलेले प्रकल्प आहेत, मग ते सेस असेल, डीसेस, नॉन सेस असेल, डीसेसच्या बिल्डिंग असतील, आणखी काही इमारती असतील, त्याचा पुनर्विकासाचा मार्ग देखील आम्ही मोकळा करतोय। आणि मुंबईच्या बाहेर गेलेला मुंबईकर पुन्हा मुंबईमध्ये आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, एवढंही मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो। आणि म्हणून एवढंच मी सांगतो की पुढील 3 वर्षात मुंबईचा संपूर्ण कायापालट करण्याचा निर्धार आपल्या सरकारने केला आहे। केंद्र सरकारचं भक्कम पाठबळ मोदी साहेबांच्या रूपाने आपल्या सोबत आहे, केंद्रात आणि राज्यात आपलं सरकार आहे। येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये महापालिकेच्या निवडणुका पण होतील, तेव्हा विकासाचं हे डबल इंजिन ट्रिपल इंजिन मध्ये त्याचं रूपांतर होईल, एवढंच मी या प्रसंगी सांगतो। मोदीजी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहा है, इस आशीर्वाद तो मुंबई विकास की रफ्तार गति शक्ति जैसी तेज होगी और अगले 2 सालों में मुंबई और महाराष्ट्र को नई पहचान हम दिलाने की कोशिश करेंगे, दिलाएंगे। आणि म्हणूनच आपण सर्वांनी मिळून आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या मार्गदर्शनाखाली नवा महाराष्ट्र घडवण्याचा निर्धार करूया। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खूप खूप आभार CM सर। देवी और सज्जनो, दहिसरपुर से DN नगर मुंबई मेट्रो रेल लाइन 2A तथा अंधेरी पूर्व से दहिसर पूर्व मुंबई मेट्रो लाइन 7 के दूसरे चरण का लोकार्पण करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पट्टिकाओं का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूँ। साथ ही इसके बारे में एक फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ भी आकर्षित करूँगी। मुंबई 1,30,00,000 से भी ज्यादा आबादी वाले इस शहर को एक बेहद भरोसेमंद और सुरक्षित यातायात के साधन की जरूरत रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे भारत की कल्पना की जिसका हर कोना एक बेहतर यातायात नेटवर्क से जुड़ा हो। अगर हम एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट का विचार करें तो मास ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। आज देश में 50 शहरों में मेट्रो नेटवर्क बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व के परिणाम स्वरूप मुंबई वासियों को एक ऐसे यातायात प्रणाली को अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा जो हरित है,
स्वच्छ है और विश्व स्तरीय होने के साथ साथ पूर्णतः मेक इन इंडिया है। मुंबई की गति हर दिन बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य है कि मुंबई के सबसे भीड़भाड़ इलाकों में इन दो नई मेट्रो लाइन से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। ना ही आप घंटों अब ट्रैफिक में फंसेंगे, बल्कि गर्मी और प्रदूषण से भी आपको बहुत राहत मिलेगी। ये हमारी मुंबई है, फास्ट है, मॉडर्न है और स्मार्ट है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों से मुंबई मेट्रो की लाइन 7 और 2A का अनावरण करेंगे। ये मेट्रो मार्ग के मुंबई के उत्तर को दक्षिणी भाग से और मुंबई के पूर्व और पश्चिमी भाग से जोड़ेंगी। आज इस मेट्रो विस्तार का एक हिस्सा बनते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। मेट्रो के लिए कठोर परिश्रम करने वाले संपूर्ण टीम का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। चालक रहित सुविधा से लैस होने के साथ साथ इस CBTC मेट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अनेकों सुविधाएं हैं। शून्य कार्बन एमिशन, वेल डिजाइंड मेट्रो स्टेशंस, स्वचलित फेयर कलेक्शन गेट्स, यात्रियों की सुरक्षा हेतु प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर, दिव्यांग नागरिकों की सुविधा हेतु डिब्बों में आरक्षित व्हीलचेयर के लिए जगह, साथ ही साइकिल के साथ यात्रा करने के लिए सुनिश्चित साइकिल स्टैंड। हर मेट्रो स्टेशन का निर्माण पर्यावरण के अनुकूल किया गया है और अधिकतर स्टेशन प्लेटिनम रैंक से प्रमाणित भी हैं। MMRDA बेहतर यात्रा के लिए मुंबई वन ऐप और NCMC कार्ड की सुविधा भी प्रदान करने जा रहा है। मुंबई जो सपनों का शहर है, मुंबई मेट्रो उन सपनों को गतिशील बनाता है। और अब बृहन मुंबई नगर निगम की हिंदू हृदय सम्राट बाला साहिब ठाकरे आपला दवाखाना परियोजना के तहत 20 क्लिनिक्स का उद्घाटन, साथ ही गोरेगांव, ओशिवरा तथा भांडुप स्थित नगर निगम अस्पतालों के पुनर्विकास का भूमि पूजन करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर एक पट्टिकाओं का का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण पूरे देश की स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व विकास हुआ है। देश में एम्स अस्पतालों की संख्या 2014 के बाद 7 से बढ़कर अब 22 हो गई है और मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 648 हो गई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन औषधि केंद्र जैसी पहल हर नागरिक की स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है और डबल इंजन सरकार की तेज रफ्तार के साथ ये सभी योजनाएं महाराष्ट्र के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर लाभकारी साबित हो रही है। राष्ट्र की सेवा के लिए अथक परिश्रम करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काम करने के तरीके को महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अपनाया है। मुंबई शहर एवं उपनगरों की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए मुंबई उपनगरों में आरोग्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पनाओं के अनुसार 17 नवंबर 2022 को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखानों का लोकार्पण हुआ और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कुल 20 नए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखानों का लोकार्पण होने जा रहा है। साथ ही उपनगरों में बृहत मुंबई महानगर पालिका द्वारा वर्तमान अस्पतालों के सुधार हेतु विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिसमें मुख्य है भांडुप मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, जहाँ 360 बेड वाला अस्पताल आकार लेगा जो करीबन 10 से 12 लाख नागरिकों को आरोग्य सेवाएं प्रदान करेगा। गोरेगांव के सिद्धार्थ हॉस्पिटल का भी होगा पुनर्विकास, जिसमें कुल 306 बेड की सुविधा होगी। यह अस्पताल 8 से 10 लाख नागरिकों को आरोग्य सुविधाएं प्रदान करेगा। अस्पतालों के साथ साथ प्रसूति गृहों के पुनः निर्माण का भी सरकार का लक्ष्य है, जिसमें मुख्य है ओशिवारा मैटरनिटी हॉस्पिटल, जिसमें 11 मंजिला भवन का निर्माण होगा, जिसका लाभ 3 लाख से अधिक जनसंख्या को मिलेगा।
मुंबई तथा महाराष्ट्र के लिए ये गर्व की बात है कि आज इन दो अस्पताल तथा प्रसूति गृह का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी के कर कमलों से किया जा रहा है। और अब 2464 एमएलडी क्षमता की 7 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज का भूमि पूजन करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पट्टिका का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूँ। साथ ही इसके बारे में एक फिल्म चलेगी। के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली, स्वच्छता एवं जन आरोग्य के प्रति उनके द्वारा साकार हुए विभिन्न प्रकल्पों की वजह से विश्व के नक्शे में भारत का नाम गर्व से उभर आया है। हमारी कोई भी नदी या वाटर बॉडी बाहरी कारकों से प्रदूषित न हो, इसके लिए हमें हर राज्य में वेस्ट मैनेजमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट का नेटवर्क बनाना होगा। इसी संकल्प से प्रेरणा लेकर मुंबई में 7 जगहों पर माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा 17,182 करोड़ रुपए की लागत से 7 एसटीपी की महत्वाकांक्षी परियोजना साकार होने जा रही है, जो कई सालों से रुकी हुई थी। मुंबई शहर सिर्फ महाराष्ट्र की राजधानी ही नहीं बल्कि देश की भी आर्थिक राजधानी है। मुंबई की 1.5 करोड़ की वर्तमान जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मुंबई में प्रतिदिन लाखों लीटर सीवेज उत्पन्न होता है। वर्तमान में इस सीवेज को पुरानी प्रक्रिया के मुताबिक खाड़ी या समुद्र में छोड़ दिया जाता है। वर्तमान सीवेज यंत्रों को कार्यान्वित रखते हुए यहाँ पर अत्याधुनिक सीवेज प्लांट की स्थापना करना स्वयं एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। भावी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए आकार ले रही परियोजनाएं SBR, MBR और CSBR जैसी आधुनिक तकनीकों पर आधारित है, जो सारे प्रमाण पूरे करती है। मुंबई सीवेज परियोजना के तहत आकार ले रहे इन 7 प्लांट्स की कुल क्षमता प्रतिदिन 2464 मिलियन लीटर है। इन प्लांट्स के द्वारा शहर के दूषित जल को 3 चरणों में शुद्ध किया जाएगा और 50% पानी को तीसरे चरण में प्रक्रिया कर उसे पीने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रक्रिया में उत्पादित बायोगैस से ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये सभी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में और मुंबई के समुद्र तटों को साफ रखने में मदद करेगी। वैकल्पिक रूप से ये नागरिकों के जल जीवन और स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करेगा। और अब 6,079 करोड़ रुपए मूल्य की सड़कों का कॉन्क्रीटीकरण का भूमि पूजन करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पट्टिका का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूँ। इसके साथ ही इसके बारे में एक फिल्म चलाई जाएगी। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देता है आर्थिक राजधानी मुंबई शहर। इस मुंबई की रफ्तार उसकी सड़कें हैं। देश की सड़क निर्माण में नया इतिहास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रचा गया है। आज पहली बार देश में ऐसी सरकार है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मानवीय स्वरूप दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा ह्यूमन टच जो आज हर किसी के जीवन को स्पर्श कर रहा। ऐसे दूरदर्शी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज मुंबई में
6,079 करोड़ रुपए की लागत से 397 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का कॉन्क्रीटीकरण का काम शुरू होने जा रहा है। मुंबई में 2,050 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, जिनमें से 990 किलोमीटर लंबी सड़कों का कॉन्क्रीटीकरण अब तक हुआ है और 265 किलोमीटर लंबी सड़कों का कॉन्क्रीटीकरण काम चल रहा है। लेकिन बची हुई 850 किलोमीटर सड़कें भारी यातायात, हर साल मूसलाधार बारिश से होने वाले जल भराव और उससे बनने वाले गड्ढों की समस्या से जूझती है और यातायात में अवरोध पैदा होता है। विषय की गंभीरता को समझते हुए महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। मुंबई में सड़क कॉन्क्रीटीकरण को अब रफ्तार दी गई है। बीएमसी द्वारा पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सड़क कॉन्क्रीटीकरण का काम होने जा रहा है, जिससे सड़कें अच्छी बने और हमेशा गड्ढों से मुक्त रहें। बची हुई 450 किलोमीटर सड़कों का कॉन्क्रीटीकरण भी आने वाले समय में जल्द से जल्द करने के निर्देश महाराष्ट्र की गतिशील सरकार ने दिए हैं। कॉन्क्रीट की नई सड़कें रफ्तार के साथ सुरक्षितता भी प्रदान करेंगी। उच्चतम गुणवत्ता से बनी पूर्व निर्मित नालियां मजबूती प्रदान करेंगी तथा यूटिलिटी डक्ट्स के कारण बार बार खुदाई की जरूरत नहीं रहेगी, जिससे सड़कों को लंबी आयु मिलेगी। ट्रैफिक को गति मिलने से कार्बन उत्सर्जन कम होगा, गाड़ी की माइलेज और पैसों की बचत बढ़ेगी। हर 400 मीटर की दूरी पर बरसाती पानी संजोने वाले सोक पीट बनेंगे। पारदर्शिता से की गई बिडिंग, सर्वश्रेष्ठ कंपनियां, कुशल श्रम शक्ति, उच्च गुणवत्ता वाली मशीनरी, इन सब का मेल होकर मुंबई की सड़कों का कंक्रीटीकरण नया इतिहास रचने जा रहा है। और अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पट्टिका का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूँ। साथ ही इसके बारे में एक फिल्म चलेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है पूरे विश्व की एक अद्भुत ऐतिहासिक धरोहर, क्योंकि यह है दुनिया का एकमात्र रेलवे स्टेशन जिसे अपने अनोखे आर्किटेक्चर के कारण यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का गौरव प्राप्त है। 16 अप्रैल 1853 को देश की पहली ट्रेन यहीं से अपनी यात्रा पर निकली थी। इस स्टेशन से प्रतिदिन लाखों यात्री अपने सफर पर निकलते हैं। 1200 से ज्यादा लोकल ट्रेनों और लंबी दूरी की लगभग 100 ट्रेनों का इस टर्मिनल से आगमन और प्रस्थान होता है। मौजूदा क्षमता पर लगातार बढ़ते दबाव और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ये आवश्यक था कि पैसेंजर लोड व्यवस्थित हो, रेल ट्रैफिक सुगम हो और समय के अनुरूप बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं से ये स्टेशन लैस हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ लगातार आधुनिक होते रेलवे के तीव्र सफर में जुड़ रहा है एक नया अध्याय। प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही हो रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास प्रोजेक्ट का शिलान्यास। देश में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अप्रोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है। रेल, मेट्रो और बसों की सुविधा एक दूसरे से जोड़ी जा रही है। अब कनेक्टिविटी का एक संपूर्ण सिस्टम तैयार किया जा रहा है, यानी यातायात के अलग अलग माध्यम एक दूसरे से भी कनेक्ट हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। 1800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा। इस स्टेशन का हेरिटेज रेस्टोरेशन किया जाएगा, यानी विरासत भी और विकास भी। स्टेशन में मौजूदा साउथ हेरिटेज क्षेत्र को डीकंजेस्ट करने के लिए 2 नए, एक लोकल और एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यात्री सुविधा क्षेत्र बनेंगे, जिससे यात्रियों और ट्रेनों दोनों की आवाजाही हो सकेगी और बेहतर। मल्टीपल एंट्री एग्जिट, पर्याप्त पार्किंग एरिया जैसी सुविधाएं यात्रियों को बेहतर अनुभव देंगी। साथ ही टर्मिनस का मेट्रो लाइन के साथ भी एकीकरण होगा, ताकि कनेक्टिविटी का इंटीग्रेशन हो और लोगों को आवाजाही में सहजता। दिव्यांगजनों की सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए विशेष
विशेष व्यवस्था होगी। टर्मिनस में यात्रियों के लिए डबल लेवल कॉन्कोर्स एरिया का भी निर्माण होगा, जहां रिटेल शॉप, रेस्टोरेंट और वेटिंग एरिया जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। नए भारत के आधुनिक रेलवे की दिशा में ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है एक अहम कदम, जिससे अमृतकाल में ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बनेगा अत्याधुनिक, भव्य और वर्ल्ड क्लास। और अब प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि अर्थात पीएम स्वनिधि के अंतर्गत 1,00,000 से अधिक लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रक्रिया का आरंभ रिमोट का बटन दबाकर करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूँ। इसके साथ ही इसके बारे में एक फिल्म चलाई जाएगी। मुंबई ऐसा शहर जहां मेहनत करने वाले हर इंसान को जिंदगी संवारने का मौका जरूर मिलता है। इनमें सबसे बड़ी संख्या में होते हैं रेडी पटरी वाले यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स। रास्तों पर ठेले लगाकर सामान सब्जी बेचकर ये अपना गुजारा करते हैं। लेकिन साल 2020 में सारी दुनिया में कोविड-19 कोरोना की महामारी फैल गई और इसका सीधा असर इन फेरी वाले भाइयों पर भी पड़ा। महामारी के दौरान हजारों लोग अपना रोजगार गंवा बैठे। ऐसे में फेरी वालों का गुजारा होना मुश्किल बन गया। तब ऐसे लोगों की सहायता के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जून 2020 में पीएम स्वनिधि योजना की घोषणा की। इस योजना को ऐसे ही इतना सरल बनाया गया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इससे जुड़ सके। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहली बार बिना गारंटी 10,000 रुपए तक का कर्ज दिया जाता है और अगर समय पर यह कर्ज चुका दिया गया तो अगली बार 20,000 और उसके बाद 50,000 तक का कर्ज मिल सकता है। देश के अग्रगण्य बैंकों के सहकार्य से ये कर्ज दिया जाता है। इस योजना को महाराष्ट्र में BMC यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका में भी शुरू किया गया था। शुरुआती कुछ वजह से ये योजना धीमी थी, लेकिन समस्याओं का समाधान बृहन मुंबई महानगर पालिका ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में ढूंढ ही लिया। केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस योजना को सहज करने के लिए कदम उठाए गए। दो अलग फॉर्म्स की जगह सिर्फ एक फॉर्म बनाया गया जो भरना आसान था। इस आसान प्रक्रिया के कारण मात्र 1 माह के भीतर 50,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। सिर्फ 2 महीने की अवधि में मुंबई में 2,310 सेमिनार किए गए, जिसके परिणाम वश जरूरतमंद लोगों के लाखों आवेदन प्राप्त हुए। आज के इस शुभ अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से इस योजना की कुल 100 करोड़ की राशि में से शुरुआती 1,00,000 पात्र लोगों के खाते में स्वनिधि प्रदान की जा रही है। जतलाते हुए गर्व महसूस होता है कि अब से केवल आधे घंटे के अंदर अंदर इन सारे लाभार्थियों के बैंक खाते में धनराशि जमा हो जाएगी। देवी और सज्जनों, राष्ट्र की उन्नति के लिए दिन रात एक करने वाले, देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने वाले विकास पुरुष भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करती हूं कि आज के इस अत्यंत आनंद के तथा महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी ओजस्वी वाणी तथा बहुमोल विचारों से हमें उपकृत करें। भारत माता की, भारत माता की। मुंबईतील माझ्या सर्व बंधू आणि भगिनींना
माजा नमस्कार। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी, मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, विधानसभा स्पीकर श्री राहुल नार्वेकर जी, महाराष्ट्र सरकार के सभी अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और विशाल संख्या में पधारे आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मुंबई के विकास से जुड़े 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास यहां हुआ है। मुंबई के लिए बेहद जरूरी मेट्रो हो, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के आधुनिकीकरण का काम हो, सड़कों में सुधार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, और बाला साहब ठाकरे जी के नाम से आपला दवाखाने की शुरुआत हो, ये मुंबई शहर को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। थोड़ी देर पहले मुंबई के स्ट्रीट वेंडर्स को भी पीएम स्वनिधि योजना के तहत बैंक खातों में पैसा पहुंचा है। ऐसे सभी लाभार्थियों को और हर मुंबईकर को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, आजादी के बाद पहली बार आज भारत बड़े सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने का साहस कर रहा है, वरना हमारे यहां तो पिछली सदी का एक लंबा कालखंड सिर्फ और सिर्फ गरीबी की चर्चा करना, दुनिया से मदद मांगना, जैसे तैसे गुजारा करने में ही बीत गया। ये भी आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब दुनिया को भी भारत के बड़े बड़े संकल्पों पर भरोसा है। इसलिए आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण की जितनी उत्सुकता भारतीयों को है, उतना ही आशावाद दुनिया में भी दिख रहा है। और अभी शिंदे जी दावोस का अपना अनुभव वर्णन कर रहे थे, ये सब जगह पे यही अनुभव आ रहा है। भारत को लेकर दुनिया में इतनी पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि आज सबको लगता है कि भारत अपने सामर्थ्य का बहुत ही उत्तम तरीके से सदुपयोग कर रहा है। आज हर किसी को लग रहा है कि भारत वो कर रहा है जो तेज विकास के लिए, समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। आज भारत अभूतपूर्व आत्मविश्वास से भरा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से स्वराज और सुराज की भावना आज के हिंदुस्तान में डबल इंजन सरकार में प्रभी प्रबल रूप से प्रकट होती है। भाई और बहनों, हमने वो समय देखा है
जब गरीब के कल्याण के पैसे घोटालों की भेंट चढ़ जाते थे, टैक्स पेयर से मिले टैक्स को लेकर संवेदनशीलता का नामो निशान नहीं था। इसका नुकसान करोड़ों करोड़ों देशवासियों को उठाना पड़ा। बीते 8 वर्षों में हमने इस अप्रोच को बदला है। आज भारत फ्यूचरिस्टिक सोच और मॉडर्न अप्रोच के साथ अपने फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहा है। आज देश में एक तरफ घर, टॉयलेट, बिजली, पानी, कुकिंग गैस, मुफ्त इलाज, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, आईएम जैसी सुविधाओं का तेज गति से निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जिस प्रकार के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कभी कल्पना होती थी, आज वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बन रहा है। यानी देश में आज की जरूरत और भविष्य में समृद्धि की संभावनाओं दोनों पर एक साथ काम चल रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आज बेहाल है, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में भी भारत 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन दे करके कभी भी उनके घर का चूल्हा बुझने नहीं देता है। ऐसे माहौल में भी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। यह आज के भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है, विकसित भारत के हमारे संकल्प का प्रतिबिंब है। भाइयों और बहनों, विकसित भारत के निर्माण में हमारे शहरों की भूमिका सबसे अहम है। इसमें भी अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो आने वाले 25 वर्षों में राज्य के अनेक शहर भारत की ग्रोथ को गति देने वाले हैं। इसलिए मुंबई को भविष्य के लिए भी तैयार करना ये डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है। हमारी ये प्रतिबद्धता मुंबई में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में भी दिखती है। 2014 तक मुंबई में सिर्फ 10-11 किलोमीटर तक मेट्रो चलती थी। जैसे ही आपने डबल इंजन सरकार बनाई, वैसे ही इसका तेजी से विस्तार हुआ है। कुछ समय के लिए काम धीमा जरूर हुआ, लेकिन शिंदे जी और देवेंद्र जी की जोड़ी के आते ही अब फिर तेजी से काम होने लगा है। मुंबई में 300 किलोमीटर के नेटवर्क की तरफ हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज देश भर में रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है। मुंबई लोकल और महाराष्ट्र की रेल कनेक्टिविटी को भी इससे फायदा हो रहा है। डबल इंजन सरकार सामान्य मानवी को भी वही आधुनिक सुविधा, वही साफ सफाई,
उसी तेज रफ्तार का अनुभव देना चाहती है जो कभी साधन संपन्न लोगों को ही मिलती थी। इसलिए आज रेलवे स्टेशनों को भी एयरपोर्ट की तरह ही विकसित किया जा रहा है। अब देश के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का भी कायाकल्प होने जा रहा है। हमारी ये धरोहर अब 21वीं सदी के भारत की शान के रूप में भी विकसित होने जा रहा है। यहां लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए अलग अलग सुविधाएं बनेगी। लक्ष्य यही है कि सामान्य यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, काम के लिए आना जाना आसान हो। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा। यानी बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, यातायात के हर साधन यहां एक ही छत के नीचे कनेक्टेड होंगे। इससे यात्रियों को एक सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। यही मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है जिसे हम देश के हर शहर में विकसित करने जा रहे हैं। साथियों, आधुनिक होती मुंबई लोकल, मेट्रो का व्यापक नेटवर्क, दूसरे शहरों से वंदे भारत और बुलेट ट्रेन से तेज आधुनिक कनेक्टिविटी आने वाले कुछ वर्षों में मुंबई का कायाकल्प होने जा रहा है। गरीब मजदूर से लेकर कर्मचारी, दुकानदार और बड़े बड़े बिजनेस संभालने वाले सबके लिए यहां रहना सुविधाजनक होगा। यहां तक कि आसपास के जिलों से भी मुंबई आना जाना भी सुलभ होने वाला है। कोस्टल रोड हो, इंदू मिल स्मारक हो, नवी मुंबई का एयरपोर्ट हो, ट्रांस हार्बर लिंक हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स मुंबई को नई ताकत दे रहे हैं। धारावी पुनर्विकास, पुरानी चाल का विकास, सब कुछ अब ट्रैक पर आ रहा है। और मैं इसके लिए शिंदे जी और देवेंद्र जी को बधाई देता हूं। मुंबई की सड़कों को सुधारने के लिए भी आज बहुत बड़े स्तर पर जो काम शुरू हुआ है, ये भी डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। भाइयों और बहनों, आज हम देश के शहरों के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन पर काम कर रहे हैं। प्रदूषण से लेकर स्वच्छता तक शहरों की हर समस्या का समाधान ढूंढा जा रहा है। इसलिए हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर इतना बल दे रहे हैं, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। बायोफ्यूल आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम तेजी से लाना चाहते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल से जुड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए भी देश में मिशन मोड पर काम चल रहा है। यही नहीं, हमारे शहरों में कूड़े की, वेस्ट की जो समस्या है, उसे भी हम नई टेक्नोलॉजी से दूर करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। वेस्ट टू वेल्थ का बहुत बड़ा अभियान देश में चल रहा है। नदियों में गंदा पानी ना मिले, इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। साथियों, शहरों के विकास के लिए देश के पास सामर्थ्य की और राजनीति की इच्छा शक्ति की
किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन हमें एक बात और समझनी होगी, मुंबई जैसे शहर में प्रोजेक्ट को तब तक तेजी से नहीं उतारा जा सकता जब तक स्थानीय निकाय की प्राथमिकता भी तेज विकास की ना हो। जब राज्य में विकास के लिए समर्पित सरकार होती है, जब शहरों में सुशासन के लिए समर्पित शासन होता है, तभी ये काम तेजी से जमीन पर उतर पाते हैं। इसलिए मुंबई के विकास में स्थानीय निकाय की भूमिका बहुत बड़ी है। मुंबई के विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं है, बस मुंबई के हक का पैसा सही जगह पे लगना चाहिए। अगर वो भ्रष्टाचार में लगेगा, पैसा बैंकों की तिजोरी में बंद पड़ा रहेगा, विकास के काम को रोकने की प्रवृत्ति होगी, तो फिर मुंबई का भविष्य उज्जवल कैसे होगा? मुंबई के लोग, यहां के सामान्य जन परेशानियां झेलते रहे, ये शहर विकास के लिए तरसता रहे, ये स्थिति 21वीं सदी के भारत में कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकती है, और शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में तो कभी नहीं हो सकती है। मैं मुंबई के लोगों की हर परेशानी को समझते हुए बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस बात को रख रहा हूं, भाजपा की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, कभी विकास के आगे राजनीति को नहीं आने देती। विकास हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए भाजपा और एनडीए की सरकारें कभी विकास के कार्यों पर ब्रेक नहीं लगाती। लेकिन हमने पहले के समय मुंबई में ऐसा होते बार बार देखा है। पीएम स्वनिधि योजना भी इसका एक उदाहरण है। हमारे शहरों में रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ठेले वाले, ये काम करने वाले साथी जो शहर की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है, उनके लिए हमने पहली बार योजना चलाई। हमने इन छोटे व्यापारियों के लिए बैंकों से सस्ता और बिना गारंटी का ऋण निश्चित किया। देश भर में लगभग 35 लाख रेहड़ी पटरी वालों को इसका लाभ मिल चुका है। इसके तहत महाराष्ट्र में भी 5 लाख साथियों को ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। आज भी 1 लाख से अधिक साथियों के बैंक खाते में सीधे पैसे जमा हो गए हैं। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन बीच के कुछ समय में डबल इंजन की सरकार ना होने के कारण हर काम में अड़ंगे डाले गए, रुकावटें पैदा की गई, जिसका नुकसान इन सभी लाभार्थियों को उठाना पड़ा। ऐसा फिर ना हो, इसलिए जरूरी है कि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और मुंबई तक सबका प्रयास लगे, बेहतर तालमेल वाली व्यवस्था बने। साथियों, हमें याद रखना है कि स्वनिधि योजना सिर्फ लोन देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये रेहड़ी पटरी और ठेले वाले हमारे साथियों का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ाने का अभियान है। ये स्वनिधि स्वाभिमान की जड़ी बूटी है। मुझे बताया गया है कि स्वनिधि के लाभार्थियों को डिजिटल लेन देन की ट्रेनिंग के लिए मुंबई में
325 कैंप लगाए गए, जिसके चलते हमारे रेहड़ी पटरी वाले हजारों साथी डिजिटल लेन देन शुरू कर चुके हैं। ये सुनकर अनेक लोग चौंक जाएंगे कि इतने कम समय में देश भर में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों ने करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है, जिनको हम अनपढ़ मानते हैं, जिनको हम लोग किसी भी भाषा में अपमानित करते रहते हैं, उन मेरे छोटे छोटे साथियों ने जो आज मेरे सामने बैठे हैं, ये रेहड़ी पटरी वालों ने ऑनलाइन मोबाइल से 50,000 करोड़ रुपए का काम किया है। और उनका ये पराक्रम, उनका परिवर्तन का ये मार्ग निराशावादियों के लिए बहुत बड़ा जवाब है, जो कहते थे कि रेहड़ी ठेले पर डिजिटल पेमेंट कैसे होगी। डिजिटल इंडिया की सफलता इस बात का उदाहरण है कि जब सबका प्रयास लगता है तो असंभव कुछ भी नहीं होता है। सबका प्रयास की इसी भावना से हम मिलकर मुंबई को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और मैं मेरे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, आप मेरे साथ चलिए, आप 10 कदम चलेंगे तो मैं 11 कदम चलूंगा आपके लिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन साहूकार के पास पैसे ब्याज लेने के लिए जाते थे, दिन भर व्यापार करने के लिए उसको 1,000 रुपए की जरूरत है, वो देने से पहले ही 100 काट लेता था, 900 देता था, और शाम को जाकर के अगर 1,000 वापिस नहीं लौटाए तो उसको दूसरे दिन पैसे नहीं मिलते थे, और कभी अगर अपना माल नहीं बिका, 1,000 रुपया नहीं दे पाया तो ब्याज बढ़ जाता था, रात को बच्चे भूखे सोते थे। इन सब मुसीबतों से आपको बचाने के लिए स्वनिधि योजना है। और साथियों, जितना ज्यादा आप डिजिटल उपयोग करोगे, थोक में लेने जाओगे उसको भी डिजिटल पेमेंट करो, जहां पर बेचते हो वहां भी लोगों को कहो भाई डिजिटल पेमेंट करो, तो स्थिति ये आएगी कि आपको ब्याज का एक नया पैसा नहीं लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके कितने पैसे बचेंगे, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कितना बड़ा काम होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं साथियों, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप 10 कदम चले, मैं 11 चलने के लिए तैयार हूं, वादा करने आया हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं आज आपसे आंख में आंख मिला करके ये वादा करने मुंबई की धरती पे आया हूं साथियों। और मुझे भरोसा है इन छोटे छोटे लोगों के पुरुषार्थ और परिश्रम से देश नई ऊंचाइयों को पार करके रहेगा। इसी विश्वास को लेकर के जब मैं आज फिर एक बार आपके पास आया हूं, मैं सभी लाभार्थियों को, सभी मुंबईकरों को, पूरे महाराष्ट्र को, और मुंबई तो देश के धड़कन है, पूरे देशवासियों को भी मैं इस विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। शिंदे जी और देवेंद्र जी की जोड़ी आपके सपनों को साकार करेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।